चारण में बीती रात एक और हत्या। लगातार हो रही गोलाबारी की घटना में सहमे हैं सारण के शहरवासी। अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है पुलिस। इसी पुलिस का सुस्त अंदाज कहें या फिर अपराधियों का बड़ा मनोबल, ज़िले में प्रतिदिन दिन दिहाड़े आपराधिक गिरोह किसी न किसी की हत्या कर घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस है कि जानकारी होने के बाद सांप की बनाई लकीर खोजने में व्यस्त है। लगातार हो रही गोलीबारी की घटना से शहरवासी दहशत में। पिछले एक सप्ताह में जिला मुख्यालय में ही कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जहां आपराधिक गिरोह ने दिन दहाड़े गोलीबारी कर हत्या नहीं करते, लेकिन सारण आरक्षी अधीक्षक महोदय को केवल शराब से भरे वाहनों को पकड़ अपने कार्य की सराहना करने में जुटे हुए हैं। आदमी की जान और अपराधियों का बोलबाला इनके लिए अपराध की श्रेणी से बाहर है। शराब और शराब के कारोबारियों को पकड़ने पर इन्हें राजस्व का फायदा और सरकार की तरफ से अच्छा प्रशासक का खिताब मिलेगा, लेकिन लूटपाट और हत्या को रोकने में राजस्व की हानि, अपराधियों से दुश्मनी और सरकार के नज़रों में एक असफल प्रशासन का खिताब पाना जो कि अपने आप में शर्म है, जिसका परिणाम कल भेल्दी में एक गोलीबारी के बाद एकमा का भी नंबर आ गया। जी हाँ, एकमा के स्थानीय निवासी दिलीप शर्मा को मंगलवार की रात उनके अपने ही गैरेज पर हत्या कर दिया गया। बताया जाता है कि कल रात दिलीप शर्मा अपने गैरेज पर बैठे हुए थे, तभी आमदाड़ी निवासी अरविंद सिंह आए और पिस्टल से 3 गोली उनके सीने में मार दी, जहां दिलीप शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। खून के चादर में लिपटे दिलीप शर्मा को क्या पता था कि आज उनकी आखिरी दिन है अपने परिवार से मिलने का, और जब दुकान पर पहुंचेंगे तो उनकी हत्या कर दिया जाएगा। सूचना मिलते ही एकपा थाने के ASI विमलेश्वर पांडे ने रात्रि में ही आरोपी को उसके घर पर छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या प्रशासन के इस तत्परता के लिए किताब देनी चाहिए? पहले का यह नारा था, प्रशासन जागती है और जनता सोती है, और अब प्रशासन जागती है, जनता की हत्या होती है। यह है सुशासन बाबू की सरकार की बिहार पुलिस। छपरा से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। क्या हुआ पापा? हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट ना जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाए, तो आज ही संपर्क करें।